أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما तबका तबकादीन या ग्रोह कदन में बास थी हमारी अमीर इस्लाम की हुकूमत में असर गुजार गुजार तासीर एक तबका यही था लेकिन बहुत सारे मुकद्दस निकाबों के पीछे जैसा कि हर जमाने में यह तबका इसी तरह से रहा है इसके सरखेल जिक्र किए आपकी ख़िदमत में जो मारूफ शख्सियात उनमें भी हैं जिस तरह से हार व सईद इब्ने मालिक भी उनके अंदर मौजूद हैं इमाल में जिनका तस्करा खुद अमीरिन ने किया है अपने कलाम में हार हौत हुआ सईद अब मालिक का कि ये भी उन गुरोह में से थे जो ने ने रवश सुकूत व खामोशी इख्तियार की है बरजस्ता तरीन शख्सियत इनकी जैसे कल बयान हुआ था अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं यानी आगाजगर अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में अलबत् रसूलुल्लाह के जमाने में भी थे लेकिन परचमदार व अलमबरदार इस नेहजत सुकूत का अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं और शनाख्त शुद्धा शख्सियत है खलीफा के बेटे तारीख में काफी बड़ा नाम है इनका, इस्लाम में इनके बारे में यही इतफाक मुख्तसर दो जुमले फरमाए हैं और उन्ही दो जुमलों में तमाम हकीकत इस शख्सियत की बयान कर दी है कि इन्होंने क्या किया है और फिर उसके बाद हम देखें कि अभी अब्दुल्ला अबिन उमर जैसे किरदार कितने हैं आज क्या है कौन से किरदार हैं बहुत ही मुकदस शख्सियत थी, थी अबिन उमर चौबीस घंटे इनके कह सकते हैं आपकी इबादतों तस्वीर इन चीजों में गुजरते थे और दुनिया से मुनकते इंसान बिल्कुल जैसा जिक्र किया कि आकबत वो हुई कि हजाजिबिन यूसुफ के पाव पे जाके बोसा दे के इस शख्स ने वहां पर बेत की है अपनी अब्दुल मालिक मरवान खलीफा था उस वक्त हजाजि यूसुफ के जरिए से बेत की अमीराम ने इनके बारे में कलमात केसार में एक मख्तसर सा जुमला इन दो तीन शख्सियात के बारे में बयान फरमाया है जिससे इनकी हकीकत सारी रोशन हो जाती है यह है कलमात सार में दो सो बाठ नंबर कलमा नंबर या हिकमत नंबर दो सो बाठ है नकल किया गया कि वकीला इन नलहारे से हाउत तो एक, तो के साथ है ते के साथ नहीं है इन नल्हारे से हाउत आता हो ये शख्स आया हारे से हाउत ये भी इन्हीं में से था यानी मुतासर हुआ बड़ी बड़ी शख्सियात को खामोश देखकर लाताुक देखकर असर हुआ इस पर भी अमीर उमनिन की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर इसने कहाता हूँ इस्तेफा में इनकारी आप मुझे असहाब जमल को गुमराह समझने वालों में से ना समझे मैं वो आदमी नहीं हूँ जो असहाब जमल को जो आपके मुकाबले में थे उन्हें कहूं कि वो गलत लोग थे गुमराह लोग थे इस पर अमीराम ने फरमाया कि फ़काम ने फरमाया कि तू हैरान है तू सरगर्दान आदमी है कन्फ्यूज जिसको कहते हैं आज की बोल चाल की जबान में तू कन्फ्यूज आदमी है फारसी में कहते हैं गीच है तू

जरहर इस तबके का यही है कि मुआशरे के अंदर तरदीब दो दिली तजो कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं लिहाजा हारिस को हजरत ने फरमाया कि तू कन्फ्यूज आदमी है तू फकत अपने सामने अपने जैसा कहते हैं ना अपनी नाक की सीध में देखता है तू मुहाते है नजारक यानी तू फ अपनी नाक की सीध में देखता है दाए बाएं नहीं देखता तू ऊपर नीचे नहीं देखता कि क्या खबर है फकत अपनी नाक की सीध में देखता है ये ऐसे शख्स के लिए है जो बेखबर इंसान बेअला इंसान और लकीर का फकीर इंसान होता है जिसको एक लाइन पे डाल दिया जाए और किसी से मुतासर हो जाए फिर उसी खत पे देखता रहे और कभी भी दूसरी तरफ तवज्जो ना करे असल ऐसे इंसान के लिए ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है हजरत ने फरमाया कि तू असल सिर्फ नीचे अपने पाओ में देख रहा है ऊपर देख नहीं रहा है तुझे कुछ और भी नजर आए समझ में आए हालात तुझे का तू आदमी है इनका लम तारिफ हल, लम इल हक का फतेफोम आता हो तू हक को नहीं पहचानता ताकि साहब हक को पहचान सके वजह मुश्किल तेरी यह है कि तू हक के जरिए से शख्सियत को नहीं परखता शख्सियतों पर हक को परखता है तू तू असी शख्सियात है ये है मुश्किल एहल सुकूत की एहलेकूत किस तरह असर अंदाज होते हैं के खामोश हैं कुछ भी नहीं करते कुछ भी नहीं कहते फिर भी लोग इनसे मुतासर हैं इसलिए कि ये शख्सियत बने हुए हैं ये उस्तूरे बने होते हैं लोगों की नजरों में और लोग हक पर इनको नहीं परखते इन पर हक को परखते हैं शख्सियत परस्त अफराद जो मुकलद माह हो जाते हैं इनके और इनके हर कौलो फेलो अमल को अपने लिए हजत समझते हैं मोतबर समझते हैं और इनमें खता का एहतमाल नहीं देते वह इसमत के कायल हो जाते हैं इन साकिन के अवा जिधर ये शख्सियात जाए लोग उधर चले जाते हैं लोगों के बारे में भी अमीर उलमो इस्लाम ने फरमाया कि हमाजन रहा है हमाजन रहा यानी हवा के दोष पे उड़ने वाले हर सीटी पे लब कहने वाले जिस तरह जानवरों को लाया जाता है और उनका निगेबान चरवाहा सीटी बजाता है है जानवरों सीटी पे, पे चढ़े होते हैं और उस तरफ दौड़ पड़ते हैं लोग इसी तरह से हैं अगर लोगों की हालत देखनी है सीटी पे किस तरह चढ़े होते हैं अभी पाकिस्तान में आप देख लें एक पार्टी आती है और उसको फसाद लोग उससे तंग आ जाते हैं इतना फसाद उसका और गंद उसका इतना जाहिर हो जाता है कि लोग दुआएं मांगते हैं खुदा से उसे निजात मिले फिर उसकी जगह पर जब बड़ा गंध आता है सीटी बजाता है कोई और आकर उसके पीछे चले जाते हैं फिर दूसरा आता है वो सीटी बजाता है उसके पीछे चले जाते हैं मजहब में और दीन में भी ऐसे ही है जिस तरह सियासत में सीटियों के पीछे भागते हैं इसी तरह से दीन में भी सीटियों के पीछे भागते हैं कोई उठ के सीटी बजाए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं ये जो जानवर सीटियों पर चढ़े होते हैं उमूमन चरवाहे भेड़ बकरियां चराने वाले ऊटो को और भेड़ बकरियों को उन्होंने एक किस्म का सुधाया हुआ होता है सीटी पे चढ़ाया होता है उस सीटी से आशना होते हैं जो इन सीटी पे जाए फौरन दौड़ते हुए आते हैं आप अगर इतफाक है घों और देहात की जिंदगी का आपको आता मुर्ग घरेलू मुर्ग इनको भी खास आवाजें निकालते हैं लोग खातन घरेलू और, और मुर्ग दौड़ते हुए आते हैं वो समझ जाते हैं कि बस दाना दे रहे हैं अभी पानी दे रहे हैं हमें कुछ ऐसे उनके होते हैं आवाजें खास किस्म की हता जो भी जानवर हो जो इसका इंसान की जिंदगी से ताल्लुक हो और इंसान का उससे ताल्लुक हो इंसान उसको अपनी सीटी पे चढ़ा लेता है गद्दा बेवकूफ तरीन जानवर है लेकिन ने इसको भी सीटी पे चढ़ाया होता है ऐसी आवाज निकालते हैं गद्दा दौड़ता हुआ आ जाता है मसलन इसी तरह से लोगों की भी यही हालत है अवाम उन्नास की यही हालत है सोच से काम नहीं लेते आंखों से देखते हैं अकल से काम नहीं लेते अकल इनकी आंखों में है बसीरत नहीं होती इनके अंदर कोई मजहबी शख्सियत सीटी बजाय उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं कोई सियासतदान सीटी बजाय उसके दोर पीछे दौड़ पड़ते हैं कोई इलाकाई अफरा मसराफार हो कोई फासद हो अच्छा हो बुरा हो इसको नहीं देखते बस सीटी पे चढ़े होते हैं जो सीटी बजाय दौड़ पड़ते हैं उसके पीछे हारिस की भी मुश्किल यही थी कि फरमाया कि तू शख्सियतों का असीर है जो कि जंग जमल में अमीर उलोमिन के मुकाबले में बड़ी बड़ी शख्सियात थी मामूली शख्सियात नहीं थी फरमाया कि तू असी शख्सियत है तू हक पर शख्सियतों को नहीं परखता मेयार हक नहीं है ताकि शख्सियतों को हक पर परखे बल्कि हक को शख्सियतों परखता पर इसलिए हैरान है, है तू तो। क्यूं हैरान है कि एक तरफ अमीरमिन है बज़ाहिर मसला खलीफा चारों में रसूल के भाई है दामाद रसूल है रसूल काते ही है, हैं, जो दूसरे लोग मानते हैं अमीरिन की हैसियतें लेकिन दूसरी तरफ जोजाई रसूल है और तलहत उम्म है वह सैफुल इस्लाम जुबैर हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जब बड़ी बड़ी शख्सियात आपस में उनमें मामला ठन जाता है कन्फ्यूज लोग यहीं पर मालूम होते हैं कन्फ्यूज कहा है? यानी कौन लोग हक को समझते हैं हक हाँ पर बातिल को क्या हक हाँ पर शख्सियत को परखते पर हैं और कौन लोग शख्सियतों पर हक हाँ को परखते पर हैं एक तरफ इमाम खुमैनी है दूसरी तरफ बड़ी बड़ी शख्सियात है साकेत और खामोश यह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक तरफ एक फकीह है दूसरी तरफ कई फकाहा हैं यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग समझ नहीं आती है उनको कि ये भी मुझते थे वो भी थे ये फिर सुन्नत जिस तरह करते हैं कि ये सब सहाबाई रसूल हैं और आसमान के सतारे और हर एक का दामन पकड़ लो बहस में चले जाओगे अगरचे आपस में आग और पानी की उनकी नस्बत है मसलन लेकिन जिसका भी दामन आग में चले जो कूद जो जा पानी में कूद जो दोनों में निजात पा जाओगे तुम किस तरह मुमकिन है कि नकीज लोगों में से जिसके पीछे चाल पड़ो आपने चात बाजोगे ये मुगालता है ये कन्फ्यूजन है ये भी इसी वजह से कि शख्सियत परस्ती में असर हो जाता है इंसान इन न का हक अरेफिल हकफा अरिफ अन आता हो तो हक को नहीं पहचानता ताकि जो हक पर है उसे पहचान सके वलम लमता अरेफिल बात लफता अरिफ अमन आता हो तु पहचानता, तुझे असर हक हाँ वातिल की तमीज नहीं है ताकि तुझे ये पता चल सके कि हक हाँ पर कौन है और बातिल कौन है तू कन्फ्यूज है मोटा दिमाग था हारिस का वरना अगर समझने वाला होता अमीर उलमोम ने एक मैार उसके सामने बयान कर दिया कि हक के, हाँ के जरिए से लोगों को पहचानो न लोगों के जरिए से हक हाँ को पहचानो वही मुश्किल जो आज भी है शख्सियतों पर हक को परखते हैं ना हक पर शख्सियतों को परखते हैं ये मुश्किल आज भी मौजूद है हारिस ने क्या जवाब दिया फकाल अल हारिस उसने कहा हमें तो फिर भी यानी इसके बावजूद भी समझ में नहीं आई उसको फका उसने कहा कि फनी आता मालिक व अब्दुल्ला अब उमर में कहा कि हम तीनों मुसलसपुरी इस शख्स ने हारिस अब हाउत कहा कि मैं सईद मालिक व उमर हम तीनों आता जिलो हम गोशा नशीनी इख्तियार करते हैं हम इस मार्के में नहीं पढ़ते ना आपका साथ देते हैं ना आपके रकीबों का साथ देते हैं इन्नी आता मा सईद मालिक व अब्दुल्ला अबने उमर यानी हम तीनों नहीं है आपके साथ अमीर जहर है ये तय हुआ था कहीं तो उसने आकर इतला दी फकत फिर तो नहीं उनकी नियाबत कर रहा था ये तीनों ने मीटिंग की तय किया आपस में हारिस को अमीर उलमोमनी के पास भेजा कि हम आपका साथ नहीं देंगे क्योंकि अमीर उलमोम ने फरदन फरदन इनसे कहा था कि मेरा साथ दो फका अमीर उलमोमिन ने जवाब दिया कि इन सईद इसके बारे में तो खुद ही बता दिया कि तू कौन है यानी तू सिटी पे उड़ने वाला आदमी है तू हवा के दोष पे चलने वाला है तू शख्सियतों पर हक हाँ को परखता है कंफ्यूज आदमी है तुझे समझ में नहीं आ रही है गीच है तू लेकिन उन दो के बारे में फरमाया का तेरे दो साथी जो हैं इन सोरा अल हक वम दुला इन्होंने आज तक कहीं हक की मदद की है या कहीं बातिल को इन्होंने तनहा छोड़ा है यानी नासिरान हक में से नहीं थे और खाजली ने बातिल में से नहीं थे ये हमेशा गोशा नशीन है यह हमेशा गैर जानेबदार तबका है उमर और सईद मालिक और तू अब इनके साथ तीसरा मिल गया है फरमायाल हक, हक कभी भी इन दोनों ने हक का साथ नहीं दिया वम यख दुल्ला अल बातिल इन दोनों ने कभी भी बातिल को तनहा नहीं छोड़ा बादल को रसवा नहीं किया इन्होंने बादलिल को शिक्ष नहीं दी इन्हों बल्कि बाराकस हुआ सुकूत के जरिए से बातिल की नुसरत की है हक को तनहा छोड़ा है हक को खजल किया है इन्होंने खजलाने हक किया है खूब यहां पर बखूबी इन दो शख्सियात के बारे में या इन तीनों के बारे में अमीर उलमिन ने फरमाया कि यह दर हकीकत एहल सुकूत व एहल कऊद है खूब अदिल्ला इनकी सुनने की है अदिल्ला इनकी जालिब है जो दलीलें पेश करते हैं इंसान गौर करे इनकी दलीलों पर और फिर देखेंगे आजकल क्या सुनने को मिलता है आदमी को बसाओकात आप मस्जिद में जाए मौलाना की बात सुने फिर रेडियो इसराइल सुने बीबीसी सुने वॉइस ऑफ अमेरिका सुने एक ही बात तीनों कर रहे होते हैं एक बात कर रहे होते हैं मीडिया में देखें और मौलवी को देखें एक ही बात सबकी जुबान पर जारी होती है इसी तरह आप देखेंगे जो उस वक्त अली अलीलाम के जमाने में थे रसूलुल्लाह के जमाने में थे उन उनके भी यही मसल बहाने थे अली के जमाने में कऊद उनके भी यही बहाने थे और आज के बाज अफराद और शख्सियात उनके देखे उनके भी यही इजहारात हैं, इजहारात को मिलाएं आपस में मिलते जुलते हैं यानी उस अगर इनको देखें आज मुमकिन बना शिया लेकिन इमाम अगरचे अमीर उलमोमिन के साथ चस्पान किया हुआ है अपने आप को लेकिन तफक् अब्दुल्ला इबनी उमर वाला है अब्दुल्ला इबनी उमर के इजहार बयान किए आपके लिए किस तरह से उन्होंने किन दलीलों से आरा से कहा कि मैं आपका साथ देने से माजूर हूं दूसरी शख्सियत उनमें से थे साद अबने अभी वकास कि कहा था कि बहुत बड़ी शख्सियत इस लिहाज से देखें यानी सबका और माजी देख माजी के लिहाज से इन शख्सियात को देखें तो सबसे ज्यादा दरखशंदा कारनामे साद इबनि अभी वकास के थे एक जंगजू बहादुर दलेरफ और सालार और सरदार जंग लेकिन अमीरुल उलमोमी जहां हाकोबातिल की जंग आई बीच में वहां पर यह शख्स ये भी कंफ्यूज है और मालूम नहीं हो सकता इसको कि मैं किसका साथ किसका साथ ना दू इन्होंने भी रसूल्ला के जमाने में अक्सर जंगों में शिरकत की इन्होंने रसूल्ला की मीयत में और कैसे आर्ज किया कि अहम शख्सियत सियासी भी थी और जंगी शख्सियत अस्करी शख्सियत भी थे ये खूस खलीफा दोवम के जमाने में एक हीरो की हैसियत थी इनकी फतेह ईरान और दीगर जंगों में कामयाबी की वजह से इसलिए खलीफा दोवम ने इन्हें उस शुरा में भी रखा जिन्होंने खलीफा का इंतखा करना था खलीफा दोवम के बाद रवियान हदीस में से भी हैं ये इनसे जब अमीर मोमी ने कहा कि आप बेत करें या बिलाकर बैत का माहौल था उस वक्त आगाज था इब्तदा था इब्तदाई जमाना था आहद अमीर सब लोग बेत कर रहे थे इन्होंने माजूरी जाहिर की हम बेयत नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे दलील जो दी उन्होंने ये दी कि मैं क्यों अमीर उमोमिन की बेत नहीं कर रहा हूं कहा कि रसूल ने मुझे कहा है ये शख्सी अदीस है ये जिस तरह खलीफा अवल ने एक जाती अदीस सुना के फदक का मसला हल किया वहां पर जो किसी और ने न सुनी न सुनाई किसी ने ये वो उस तरह की हदीसें हैं फौरी फोरी आप आज के कंफ्यूज तबके को देखें ये भी हदीसों का ही सहारा लेते हैं जमाना गहबत कोबरा में क्याम जायज नहीं एक हदीस निकाल लेते हैं वहां से कि जमाना गहबत कोबरा में हमने खूब तहलील किया उन सारी हदीसों की कि जो जमानबत कोबरा के क्याम के बारे में बास हुकूमत इस्लामी में एक हदीस थी जिससे ये ए, मतलब इस्तः हो सकता था लेकिन बास की उसकी भी सनतन भी और दलालतन भी कि वो भी तमाम नहीं हुई नहायतन। और उसके मुकाबले में आयात सरी है कुरान है कि आप लाता नहीं बैठ सकते खास जमाना है कुबरा हो या कोई भी जमाना हो ज़हाद लाजम है दिफा लाजम है क्याम वाजिब है खुदा तबारक में आयात कुरान एक तरफ सारी उमदा कुरान दर हकीकत अगर आप देखें जिस तरह आज अमरीका को साफ नजर अमरीका कहता है एक कुरान दहशत गर्दी की किताब है लेकिन हाफिज कुरान को कोई कुरान की आयत ऐसी नहीं लगती जो जिहाद से मरबूत हो कारी कुरने हिफज कुरान करता है और बहुत कुछ मतलब कुरान के बारे में है लेकिन एतकाद उसका यह है कि ना खैर एक हदीस में आया है कि कयाम नहीं करना एक हदीस में आया कयाम नहीं करना है इतनी आयात में आए आया कि क्याम करना है मुबारजा करना है जुल्म के खिलाफ एक हदीस लेकर उसे तमस्व कर लेते हैं ये रवश है इनकी इसलिए कहा था कि आप अगर किसी मदरसे में जाए वहां मदरसे के मसूल से या मदरस से बात सुने फिर बीबीसी सुने फिर रेडियो इसराइल सुने बिल्कुल एक एक जुबान बोल रहे होते हैं सारे क्योंकि तफक् एक है रास्ता एक है नहज एक है जरूरी नहीं कि एक दूसरे से लेते हों यानी ये बीबीसी एम से सुनता है ये ये है या ये बीबीसी सुन के ना जब दो आदमियों का तफक्कुर ही एक एक जैसा होता है दोनों एक जैसी बात करेंगे कर लें कि दो शिया हैं अगर दोनों से अलग, अलग अलग बात करें एक दूसरे से मिलाए बगैर एक दूसरे को जाने पहचाने बगैर दोनों एक ही बात करेंगे अगर दो सुन्नी है दोनों एक बात करेंगे क्योंकि तफक्कुर एक जैसा है दोनों का अगर दो कम्युनिस्ट हैं कहीं भी हो पहचानते हो एक दूसरे को या ना पहचानते हो एक जैसी बात करेंगे दोनों अगर दो हैं उन दो, वो दोनों एक जैसी बात करेंगे हमेशा यूं कायदा है जब यही है इसी तरह ये लोग भी ऐसे ही हैं हमेशा एक जैसी बात करते हैं ये इसराइल रेडियो तहलील तजिया करता है इनकलाब इस्लामी के बारे में यही और मदरसों में जो बातें होती हैं वो भी यही बातें चूंकि तफक् एक है मजहब एक है मसलक एक है दोनों का इन्होंने इस्तलाल ये किया साधि ने अभी वकास ने कि मैं क्यों साथ नहीं देता कहा कि मुझे खसूस रसुल्ला ने फरमाया था कि जब लोग एक दूसरे के मुखालिफ हो जाए तो अपनी शमशीर लेकर इस सहरा की तरफ चला जाना को, कोई ओहद की तरफ कहते हैं रसुल्ला ने मुझे इशारा किया मदीने से बाहर है कोई ओहद कहा के रसुल्ला ने मुझे कहा कि जब मदीने में इख्तलाफ हो जाए लोग आपस में दरगीर हो जाए और मुखालफत शुरू हो तो तू अपनी शमशीर लेकर कोई ओहद की तरफ निकल जाना इस सहरा की तरफ निकल जाना और इसी तरह से तू कोशा नशीनी इख्तियार कर ले और जब तक कोई तेरे जानो माल के मुतारज नहीं होता यानी जब तक तुझे कोई नहीं छेड़ता तू ने असलन बाहर नहीं आना जब तक तुझे कोई नहीं छेड़ता तो करें तफक् यानी जब तक तुझे कोई नहीं छेड़ता हक को बेशक छेड़े मजहब को बेशक छेड़े दीन को बेशक छेड़े कुरान को बेशक छेड़े नबुअत और, और जहमत अंबिया को बेशक छेड़े नाबूद कर दे कोई परवाह नहीं है तुझे जब तक कोई नहीं छेड़ता उस वक्त तक तेरा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए ये, आज भी ये तफक् है जो स्टेजों पे बयान किया जाता है कि तुझको पढ़ाई क्या पड़ी अपनी नबेड़ दो परवेज मुशरफ और मौलवी दोनों एक बात कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ भी यही कहता है ये अमरीकी जनरल के तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ मुसलमान पाकिस्तान में लोगों को यही कहते हैं कि आपको क्या पड़ी है फलस्तीन में लुबनान में और कश्मीर में और फला फला मसाइल में तुम दखालत देते हो अपनी न बेड़ो तुम जहां भी कोई मारका होता है मुसलमान पाकिस्तानी उठ के मसल शुरू हो जाता है और यही जुमला आप देखें मौलवी भी ये जुमला कह रहा है मदरसे वाला भी ये जुमला कह रहा है स्टेज पे बैठने वाला भी ये जुमला कह रहा है तुझको क्या पड़ी अपनी हमारा क्या है उनसे? कब आप कब आप उठेंगे? मुश्किल होगी कहा जब कोई हमें छेड़ेगा जब कोई हमें छेड़ेगा कहा कि मुझे रसूल्ला ने कहा कि जब तक तुझे कोई नहीं छेड़ता उस वक्त तक तू नहीं घर से बाहर नहीं आना और मौत तक वहीं पर बैठा रहे घर में जब जंग जमल में अमीर इससे कहा कि आप साथ दो मेरा एक बड़ी शख्सियत है साथ वकास बहुत बड़ी शख्सियत है आज की शख्सियात के साथ अगर मुख्याशा करें यानी ऐसी शख्सियत जिसका पूरी सल्तनत इस्लामी में एक असर था नाम था बहुत बड़ा उसका बाज मुमकिन अस्करी जंगी लिहाज एक शख्सियत बना लें बाज मुमकिन है सियासी लिहाज से एक शख्सियत बना लें बाज मुमकिन है दीनी मजहबी लिहाज से शख्सियत बन जाए फार्ज कर लें कि कोई पाकिस्तानी शख्सियत हो करें एक खास कलम रोह के अंदर एक पाकिस्तानी शख्सियत हो और पाकिस्तानी सियासत में कोई कदम उठाया जा रहा हो और वो खामोश बैठे और असल इजहार नजर ना करे लोग शक में पड़ जाते हैं यहां यकीन को चह चुके ये शख्सियत क्यों बरकनार है क्यों साइड पे है ये इसी वजह से अमीर उलमन को इनकी मदद की जरूरत नहीं थी बेकादर काफी तलवार चलाना जानते थे अपने दुश्मन से नबर जानते थे अमीर उम्मीद नहीं के शिक्त से बचने के लिए ये काम कर रहे थे ना न अमीरमोमिन इन शुभहात को खत्म करने के लिए नहीं अपने साथ मिलाने के लिए कोशिश करते थे कि ये साथ रहे चूंकि बाहर रहे तो शुबात बढ़ेंगे एतमाद लोगों का उठेगा इस वजह से कि इनको साथ मिला देते कि आप लड़ो ना बेशक लेकिन हमारे साथ रहो तुम अभी भी मकामी मुआजम में राहबरी हजार जतन करके बाजों को साथ रखा हुआ है मसलन किसी जगह उनका बयान आ जाता है तस्वीर आ जाती है कुछ आ जाता है यह तस्र देने के लिए के खिलाफ नहीं है चूंकि अगर तासुर बाहर मुंतक लोग ये शख्सियात मुखालिफ है लोगों का ईमान उठ जाता है एतकाद उठ जाता है वही कंफ्यूजन पैदा हो जाती है लोगों को इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात इनके नाज नखरे बर्दाश्त करना पड़ते हैं फिर इनको ताकि किसी मसले में साथ रहें या मुखालिफ कम अज कम शुमार न हो हजरत ने जब जंग जमल में साध अपने अभी वकास को कहा कि आप आए हमारे साथ रहें साध ने क्या जवाब दिया तवज्जो करें साध कहते हैं उनको कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका साथ दूं ये इबन असीर ने अल कामिल में तारीख कामिल में ये मतलब मौजूद है कहा कि अगर अली अलीम को कहा कि अगर आप चाहते हैं मैं आपका साथ दू इस जंग में तो मुझे एक ऐसी तलवार दें जो पहचानती हो काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क कर सकती हो ऐसी शमशीर मुझे दें क्योंकि मैं ला अला पढ़ने वालों पर कभी भी शमशीर नहीं चला सकता मुझे ऐसी तलवार दें जो काफिर और मोमिन में फर्क कर सकती हो ताकि जब मैं जंग में जाऊं मेरे हाथों से कोई मुसलमान ना मारा जाए ये तबसरे और ये जुमले और ये इजहारात दलील बनते हैं कि ये तो बहुत ही खैरखा और बड़े राशे और बड़े ज़ाहिद बड़े मुत्तकी जिन इंसानों के एक बेगुनाह का खून तक बहाना पसंद नहीं करते एक तरफ से ये और दूसरी तरफ से देखें कि इनके सुकूत के जरिए से कितना ना हक खून बहाया बहा, बहा जाता है और बहता है इनके सुकूत के जरिए से आखिर में जब जमबंदी करेंगे हालात कायदीन व आर्ज होगा इंशाला कि इनकी सिफात क्या है और क्या हैसियत होती है सुकूत की आलमी निजाम में या इलाकाई निज़ाम में या जुल्म के निजाम में जालमाना निजाम में सुकूत का रोल क्या होता है ये वजाहत होगी उसकी लिहाजा सुकूत ही जामिन है सुकूत आधा जामिन होता है जुल्म का और कतल का मैं नहीं कह रहा कुरान का यह फरमाना है और आयमा मासूमिन ने तो सराहत से बयान किया है कि यह चूंकि आयमा ने कातली ने कर जालमी ने कर बला साकेती ने करबला तीनों पर यकसान लान किया तीनों को एक जैसा जिम्मेदार करार दिया है जो करबला में नहीं थे नहीं पहुंचे और साकेत खामोश बैठे रहे बड़ी बड़ी नामावर शख्सियात उनको जुमराई कातलीन में अमीर आमायतर ने शुमार किया है उम्मतन जालमत का उम्मतन कतलत का वानल्लामत सामियात फराजियत बे ामोश बैठे रहे हो ये एक शख्सियत और जिसके अजहारत हैं। इन्हीं में से शख्सियत दीगर है मोहम्मद अबिन मुस्लिम इन्होंने ये भी बड़ी शख्सियात में से हैं, रसुल्ला के सहावियों में से हैं, और अगलब जंगों में शरीक रहे हैं रसुल्ला के जमाने में उस वक्त नजरत सुकूत का हिस्सा नहीं थे सूल्ला के जमाने में लेकिन अमीरुल उलमन के जमाना जब आया इन्होंने सुकूत इख्तियार कर लिया इन्होंने भी अमीरुल उलमोमिन की बेहत नहीं की इनका यह कहना था कि अमीरुल उलमोमिन के जमाने में कि अगर हमें रसुल्ला ने मामूर किया कि अपनी तलवार उठा के राय हक में लड़ो अकायद की राह में लड़ो तो हम कुफार के साथ लड़ाई करते थे उन्हें कत्ल भी करते थे और कहा कि आज अगर मेरी शमशीर से कोई नमाजी और मुसलमान कतल हुआ तो इससे बेहतर है कि मैं इसको चट्टानों पे पत्थरों पर मार मार के कुंद कर दू और यही काम किया आखिर में इसने एक शमशीर लेकर जब जंग जमल के लिए अमीर उम्मीद फौज तैयार कर रहे थे जमल को खत्म करने के लिए इस शख्स ने अपनी शमशीर पत्थर पे मार मार के कुंद कर दी और लकड़ी की एक शमशीर बना के और पहाड़ों में जाकर बैठ के इबादत शुरू कर दी इसी तरह ओसामा उसामा बिन जैद की मारूफ शख्सियत है ये भी मामूली नहीं है रसुल्ला ने रेलत के वक्त लश्कर जवान थे ओसामा उस वक्त लेकिन इसी जवान को सालारे लश्कर बनाया रसुल्ला के मुंह बोले बेटे का फरजान है ये जैद बिन हारसा के फरजान उसामा बिन जैद इनको लश्कर का सालार मुकर किया और उसमें सबको कहा कि शिरकत करें बार कैफ उन्हें मालूम था अहले मदीना को कि रसूल्ला की हालत बीमारी की लिहाजा नहीं गए शामिल नहीं हुए बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात इस लश्कर में शामिल नहीं हुई और लश्कर रवाना नहीं हुआ यही शख्स अमीरुल उलमोमिन के जमाने में आ आया तो बेत नहीं किया अमीर उल्मीन के साथ इसने और दलील इन्होंने भी यही पेश की कहा कि यह फितने का जमाना है हमें मालूम नहीं है हक पर कौन है अली हक पर है या मुखालफिन हक पर है चूंकि दोनों तरफ बड़ी बड़ी शख्सियात हैं यही कंफ्यूजन पैदा होती है आज हैं लोग अक्सर लोग हैं एक तरफ मसलन ये लोग हैं एक तरफ ये लोग हैं दोनों मुकदस हैं दोनों दुरुस्त हैं जैसे पहले जिक्र किया वो मतलब के हलब में दमिश्क में कब्र है जनाब हजर बनिया की वहां शख्स गया जिया जियारत के लिए उसने मालूम नहीं था पूछा वहां मकामी एक आदमी से कि ये किसका मजार है उन्होंने कहा कि हजर बनियादी रजियाल कहा कि ये हजरब ने कौन थे कहा अली रजी के साहबी थे कहा कि इनको शहीद किसने किया कहा माविया रजी ने इनको शहीद कर दिया अक्सरियत इस वक्त यही है कातिल भी रजी अल्लान मकतूल भी रजीन नासिर भी रजी अल्लान नासुर भी रजी सब रजी सब दाम नासिर भी दाम जिलो, नासूर लो नासुर भी दामिलो ये कन्फ्यूजन है लोगों की यही हैरत है सरगर्दानी है अमीर उलमोमिन के लिए इसी कन्फ्यूजन ने लोगों की कंफ्यूजन ने मुश्किल खड़ी की समझ में नहीं आई क्यों हक को हक को शख्सियतों पर परखते हैं शख्सियतें है इस वक्त क्या कर रही हैं? हो इस मैदान में एले सुकूत में से एले कऊद में से भाई के नाम सुकूत है लेकिन दरपरदा सुकूत बहुत फालियत है और फाल तरीन आदमी सुकूत के पर्दे में और मुकदस तरीन आदमी अबू मोसाशरी अब्दुल्लाबिन कैस इनका नाम है अब्दुल्लाबिन कैस असली नाम कुनिया इनका अबू मूसा अशरी है जो ज़रबल मसल बन गए हैं अभी इस वक्त एक मुहावरे की एक शख्सियत की हैसियत नहीं रखते बल्कि एक जरबुल मसल की हसीियत रखते हैं और वाक मुकर चेहरा है यानी तिकरारी तिकरारी से मुराद यानी हर जमाने में मौजूद है ये किरदार हर जमाने में मौजूद है अबू मोसाई अशरी इन्होंने बाकियों ने खुद नहीं की मसल बेयत नहीं की दरपरदा तासुर दिया अपने बेत न करने से सुकूत से खामोशी से यह तसुर दिया लेकिन ये वो शख्स है तनहा नजत सानों कायदीन में कि जो बढ़कर दूसरों को रोकता भी है साथ मेम्बर पर जाके तकरीरें करता है अमीर उम्मन के खिलाफ कि सुकूत पर लोगों को उकसाता है कि यहां इसमें नहीं पड़ना अमीर उल्मन के जमाने में ये कोफा के हाकिम थे अलबत्म ने नहीं मुकर किया था खलीफा सेवम ने मुकर किया था जब वो कत्ल हुए अमीर ने जितने थी, वो सारी मनसूख की आज जुमला कोफा की तकरी भी अमीर उलमिन ने मनसूख की लेकिन चूंकि माले के अश्तर कोफा में ही थे और औजाए कोफा से आगाह थे उन्होंने अमीर उलमिन से कहा कि इसको फौरन बर्खास्त करने के जो अवाकब हो सकते हैं वो क्या है लिहाजा अमीर यानी वही तकदस दूसरे लफ्जों में फिर माने बना माने बना भाई मुआविया को बर्खास्त करने में अमीर उलमोमिन पर बहुत दबाव था कि ना करें मोीरा वमसा मोगीरा हत बहुत करीबी तरीन साथी अमीर उमोमिन के अब्दुल्ला इबन अब्बास और दूसरे ये भी दबाव डालते थे अमीर उल्मिन पर कि ना करें चूंकि ये फितनाबाज फितना जूह फितना इंसान है शैतना था इसके अंदर और ये आपके खिलाफ कुलमकुल्ला बगावत करेगा और वही हुआ फरमाया कि मुझे पता है ये होगा उस दबाव को कबूल नहीं किया लेकिन अबू मूसा अशरी के बारे में फकत माले के अश्तर ने कहा कबूल कर लिया उसकी वजह चंद थी एक तो उस वक्त जो लोग दबाओ डाल रहे थे उनमें और माले अश्तर में फर्क था उसमा उधर से हामी था मुआविया का और इधर माले अश्तर माले अश्तर हामी नहीं थे अबू मूसा के इतफाकन अब मोसा अशरी माले के अश्तर को नापसंदीदा तरीन शख्सियत समझते थे गूफा में सबसे मनफूर शख्सियत अब मोसाय अशरी के नजदीक माले के अश्तर थे उसके बावजूद माले के अश्तर ने अमीर उलमोमिन से कहा कि इसको फिलफौर बर्खास्त ना किया जाए चूंकि इसकी एक शख्सियत बनी हुई थी मानवी बर खिलाफ मुआविया के मुआविया को बर्खास्त करने में मुआविया के जो हामी थे वो तो है यही कहते थे कि गलत किया है बर्खास्त इंतकामी या जो भी है लेकिन मुतय नहायत खुश थे अबू मोसरी बराक्स है अबू मोसरी को बर्खास्त करना यानी जैसे एक मरज़ाई तकलीद को मरजयत से बर्खास्त करना लोग शोर मचाएंगे कि इसने क्या कसुर किया ये तो बहुत नेक ये तो मुआविया नहीं है ये तो झालिम और सितमकार इंसान नहीं है ये तो बहुत अच्छी शख्सियत है बहुत अच्छा इंसान है इसकी इतनी खदमात है यह तो जो दो तकवा में मुजस्म जो दकवा है चलो मुआविया को कर दिया कर दिया इसको क्यों कर दिया बर्खास्तर शख्सियत शख्सियत और काबिल कबूल और मंजूरशुदा शख्सियत थी कुछ अरसे के लिए अमीर उल्मी ने रखा इनको बाकी इसी असना में चूंकि जंग जाम फिलफोर शुरू हो गई अमीर उलमोमिन के खिलाफ के संभालने के फौरन बाद इन्होंने पहले तो अप भी नहीं की के वाली है बेयत नहीं की वोम न सिर्फ नहीं की बल्कि में कदगन लगा दी बोनवा वाली के कोई भी इस जंग में शरीक नहीं हो सकता लंबे लंबे खुतबे इस शख्सियत ने बयान किए खुतबे अमीर बाज लिखा है बाजों ने जैसे अमीर चंद शख्स से बहुत नाला थे हर नमाज के बाद खुदा से दुआ करते थे इन लोगों के खिलाफ निफरीन करते थे चंद शख्सियात को अमीर उमोमिन उनमें से ये तीन शख्सियतें नुमाया हैं अलबत् चंद और भी हैं लेकिन ये तीन शख्सियतें नुमाएं हैं जिनके लिए अमीरमन बद दुआ करते थे हमेशा एक आविया आमरिबन आस और अबू मुसाशरी और तीनों अलग अलग, अलग चेहरे हैं तीनों अलग अलग किरदार हैं और तीनों तिकरारी हैं, तिकरारी किरदार हैं न उन्हीं के अंदर मुंहसर है उन्हीं अफराद के अंदर और फिर बाद में पैदा नहीं हुई या आज नहीं है मौजूद मुकर्र शख्सियात है ये दोहराई जाती है ये जगह तारीख दोहराती है अपने आप को माविया बुनवान एक शख्सियत मुस्तबिद इकतदार खा व इकतदार पसंद अमरबनियास बनवान मकार और अबू मोसा आशरी एक सादा लोह और सादा लोही की वजह से मुजर तरीन शख्सियत इन्होंने अमर उलमोमिन ने जंग जमल के वक्त इनसे कहा कि आप कूफा से चूंकि अमीर उलमोमिन की कलम रोह थी ये भी नुकता है यहां बयान हो जाए फिर इसकी वजात होगी एल कऊत ने अपनी फालियत के लिए यानी नजत सुकूत महाज जो सुकूत का इन्होंने खोला था अमीर उलमोमिन के खिलाफ इसके लिए फकत अमीर उलमोमिन की कलम के अंदर जो इलाके थे वहां फाल थे जो इलाके अमीर शाम के महत थे उनमें नहीं इन्होंने सुकूत का प्रचार किया वहां नहीं कहते थे लोगों को जाकर साकेत रहो खामोश रहो जहां जहां अमीर उलमन का असर रसूख था जो हुकूमत अमीर उमोमिन जो इलाके थे उनमें जाकर तबलीग करते थे कि साकेत रहो खामोश रहो और कोफा में यह शख्सियत है वाली भी है कोफा का और शख्सियत काबले कबूल भी है अमीर उलमोमिन ने खत लिखा कि जंग जमल में आप बात दस्ता तैयार करके मदद के लिए रवाना करें उसके बाराक्स ये मेंबर पे गए मस्जिद मुफसल खुतबा बयान किया और उस खुतबा में लोगों से ये कहा कि कहा हम पहले जंग करते थे रसुल्ला के जमाने में उस वक्त कुफार के खिलाफ जंग करते थे यूं करते थे और आज फितना है और इस फितना में उन्होंने अपने कलमाते के सार बयान किए कहा कि आज सोया हुआ जागे हुए से बेहतर है और जागा हुआ बैठे हुए से बेहतर है बैठा हुआ खड़े हुए से बेहतर है और खड़ा हुआ सवार से बेहतर है क्योंकि सवार आदमी हुआ है जो जाने के लिए तैयार है कहा कि जो आज इस मसा आज इनकलाब इस्लामी को ले ले इनकलाब इस्लामी में कुछ लोग हैं जो इनकलाब की मदद के लिए सवार हैं यानी जिन्होंने अपनी सवारियां तैयार की हुई हैं ताकि इनकलाब इस्लामी की मदद करें कुछ ऐसे हैं जो अभी सवार नहीं हुए लेकिन खड़े हुए इनकलाब की मदद के लिए आमादा हैं कुछ ऐसे है जो अभी खड़े नहीं हुए लेकिन बैठे हुए सोच रहे हैं कि हम इनकलाब की मदद करें कुछ ऐसे है जो बेदार हैं बैठे हुए भी नहीं है लेटे हुए लेकिन है बेदार बिस्तर भी नहीं है लिहाफ के अंदर ही है लेकिन जेर लिहाफ ले इनकलाब के हामी हैं, सोए हुए लेटे हुए और कुछ ऐसे हैं जो सोए हुए हैं असलन गाफिल पता नहीं इंकलाब आया भी है या नहीं है मैं बाज जगह गया तबलीग के लिए वहां जाकर उनके सामने तस्करा किया इंकलाब का वो इतने हैरान हुए शिया थे वो इस कदर हैरान हुए कि इतना वो मस वाक हो गया और उन्हें पता नहीं था इनकलाब के पचीस छब्बीस साल गुजर चुके थे और उन्हें अभी तक मालूम नहीं था कि इनकलाब इस्लामी वकू पजी हुआ है। एक खबर के तौर पर भी नहीं मालूम था उन्हें हैरत होती थी उन्हें जब उन्हें बताया इनकलाब इस्लामी शिया हुकूमत है और वो शिया थे वो और इसी तरह से सोए हुए गाफिल है उन्हें मालूम ही नहीं है इंडिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको असल हवा गई नहीं है वो बहरे हिंद से मानसून की हवाएं उधर से इधर चलती हैं इधर से उधर कोई हवा नहीं चलती और जो हौजों से जाते हैं यहां से वो भी जाकर पेश नहीं करते अपने रसालत दुरुस्त तरीके से अदा नहीं करते हैं ऐसे मंत्र के जहां अभी भी लोगों को कोई खबर नहीं है तीस साल गुजरने को है ये कौन सा तफक्कुर है कुछ लोग हैं जिनकी यही हालत है आप कहें कि जो इनकलाब की मदद के लिए सवार हो चुका है यह सबसे बदतर है इससे बेहतर वह है कि जो इतना आमादा नहीं बल्कि खड़ा हुआ है मदद के लिए उससे बेहतर वह है जो बैठा हुआ है हामी है लेकिन खामोश तमाशाई बैठा हुआ है उससे भी बेहतर वह है जो लेटा हुआ है बेदार है और सबसे बेहतर वह है जो सोया हुआ है अब मुसाश्री का मजहब क्या है सबसे बेहतरीन इंसान हुआ है जो सोया हुआ है जो बेदार है वो बदतर है और जो बैठा हुआ है वो बेदार से बदतर है जो खड़ा हुआ है वो बैठे हुए से बदतर है और जो सवार है वो खड़े हुए से बदतर है इसलिए माले के अस्तर सबसे बदतर है क्योंकि वो सवार भी है और मुताहरिक भी है आज देखें नफरत है बाज लोगों को मुताहरिक लोगों से फाल लोगों से नफरत है बाजों स... अगर उनसे पूछे बेहतरीन आदमी कौन है अहमद तरीन आदमी बेहतरीन आदमी होता है उनके लिए जो सोया हुआ है। सोया हुआ यानी जिसको ये भी नहीं पता कि अभी 2007 है मसलन वो समझते खबर नहीं है उसको ये सबसे बेहतर इंसान है इमाम खुमैनी रजवान अभी फरमाते थे कि किसी जमाने में अलबत् अभी भी ऐसे ही है लेकिन उस वक्त ज्यादा था फरमाते थे कि किसी जमाने में बेहतरीन आलि का मेयार हिमाकत थी यानी सबसे अहमक बेहतरीन आलिम दीन होता था इसका नाम तकवा भी था इसका नाम जोत भी था इसका नाम रूहानियत भी थी और मानवीय भी थी और इरफान भी था और तस भी और सब कुछ था और इसके पास जाते थे सारे मसाइल के लिए जिसको बस ये भी नहीं मालूम कि दिन है या रात है और तुलबी मशरे को मग़रब की तमीज भी नहीं कर सकता सबसे अहमक सबसे मोहतरम था इनके नज़दीक ये मजहब अबोमोसा है कि खुफता सबसे बेहतर है अगर हमसे कोई पूछे कि इस वक्त मसून होजा में बेहतरीन शख्सियत कौन है सबसे आली तरीन शख्सियत कौन है कोई भी आगा मिसबा का नाम नहीं लेता नहीं लेते ना उन शख्सियात के नाम लेते हैं वो फला मलकूत में है फला मलकूत से भी आगे जबरूत में है फला नासूत में है फ किधर है उसको अपनी अमसाए का भी नहीं पता कि हमसाए में क्या खबर है उसको ये नहीं पता कि मेरी उम्मत को मुश्किल क्या दरपेश है मेरी उम्मत के तकाजे क्या है मेरी उम्मत के दर्द क्या है उन दर्दों की दवा क्या है लोग वह बेहतरीन शख्सियत शख्सियात करके पेश करते हैं साकेत तरीन इंसान कोई नहीं कहता इस वक्त हौजा इल्मिया की सर फहरिस्त शख्सियत हजरत उस्ताद फाल मिसबा मुबारिस कुर्बानी देने वाली शख्सियत यानी आप कहें कि वाक जिस इंसान ने इस बहरान या आखिर से इनकलाब को बचाया है जिस शख्सियत ने लिबरलिज्म के हमले से जिस शख्सियत ने दिफा किया तने तनहा वो ये उस्ताद मोहतरम है नहीं इनका नाम पेश करते क्यों अब कहते हैं ये बदतरीन शख्सियत समझे जाते हैं नमाज का लुत्फ कहा आता है नहीं कहते आगे मिसबा के पीछे नमाज का लुत्फ आता है अली के पीछे नहीं लुत्फ आता है इनको नमाज का माले के अश्तर बदतरीन शख्सियत ही अबू मूसा के मसलक में सबसे ज्यादा नफरत करते थे मालिक अश्तर से जगड़ालू जंगजू और इस तरह की सिफात उनके लिए कहते थे तुंदू हमेशा मारने की बातें करते हमेशा कत्ल की बातें करते इतफाकन इनकी विलायत और हुकूमत की तईद और हिमायत भी अमीर उलमिन के पास शफ़ात भी मालिक अश्तर ने की कि इनको रहने दें लेकिन यही उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी है कहा कि सोया हुआ बेदार से बेहतर है बेदार बैठे हुए से बेहतर है बैठा हुआ खड़े हुए से बेहतर है खड़ा हुआ सवार से बेहतर है कहा कि तुम फख्र अरब बनो शमशीरों को न्याम में डाल और नेजे लो, और नेज़े अपने छुपा लो और ज़रा व कमान अपनी उतार दो और चुप करके घरों में बैठे रहो अगर कोई मजलूम पना मांगता है तो पना दे दो उसको लेकिन मदद के लिए किसी के लिए नहीं जाना इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब अम्मार अम्मार यासिर को और अजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बेजा इसको कने करने के लिए कायल करने के लिए वाली खूफा को के जंग जमल में हिमायत करे साथ दे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने और जनाब अम्मार ने जितनी दलीलें दी काने करने की कोशिश की ये कान नहीं हुए कहने हो भी नहीं सकते ये शख्सियात जवाब में उन्होंने मसलन वही बातें जो तकरार की कि ये फला से बेहतर हो फिर कहा कि मैंने रसूल्ला से सुना है कि जब फितने पैदा हों तो उस वक्त तुम घरों में छुप जाओ यानी अमीरिन के जमाने में जो कुछ हुआ उसको फितना कहकर इन्होंने लोगों से कहा कि फितनों में तकलीफ है शमशीरें और नेजे अपने छोड़ दो जेरे उतार दो अपनी अपने घरों के अंदर बैठ जाओ और अपनी इबादत में शख्स इबादत में और देखो कि क्या होता है मसलन नतीजा क्या निकलता है बाद में मालिक अश्तर ने जब यह देखा यह कार्रवाई मालिक अश्तर ने अमीर से फिर इख्तियारात मांगे कि मुझे इख्तियार दे छोड़ाऊ इससे लोगों की मोमनिन की और मालिक अश्तर ने अबू अशरी को बर्खास्त कर दिया वहां से कहा कि इन्होंने मेंबर प्रचार के लोगों से कहा कि अली ने मुझे पैगाम भेजा है कि मैं उमनिन के खिलाफ लोगों को उकसाऊं जंग के लिए और ये फितना है और मैं इसमें नहीं जाऊंगा और लोगों से कहा कि तुम भी नहीं जाओ जो भी इसमें जंग जाएगा वो का गुनाकार है जानवी है फला है अमीरुल अमीर उलमोम ने बलागा में इन्हीं के बारे में दो जगह मतलब बयान फरमाया है एक खुतबा दो सौ अड़तीस में है इस सरदार सुकूत के बारे में इमाम और बहुत मोहतरम शख्सियत बाद में अमीर उलमिन पर ठोसा भी गया का जब वाक्य आया जंगों में हर जंग में ये बिल्कुल अलग थलग जंग सफीन में आए चूंकि बसौगात तो होता है ना अपना तकदस बचाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है इनको एक बयान देना पड़ता है कि अब लोगों में रसवा हो रहे हैं मस यहां बोलना चाहिए हमें फारज पहले कहते थे फलस्तीन कहते थे उसमें शिया कोई नहीं है खो, फिर कहते थे इराक वो कहते थे अभी तक तो नजफ महफूज है काजमैन महफूज है फिर आखिरकार नजफ भी वीरान हुआ सामरा भी वीरान हुआ अब अपना तकदस बचाने के लिए कुछ ना कुछ कहना पड़ता है कि यहां भी खामोश रहे तो फिर तो रसवा हो जाएगी फिर लोग भी कबूल नहीं करेंगे हमें लिहाजा जंग सफीन में आ गए जंग सफीन में आकर इन्होंने एक गोशा इख्तियार दूर जंग से बाहर बहुत दूर किसी जगह पर बैठे रहे देखें कि देखेंगे नतीजा क्या निकलता है कौन जीतता है जंग में जो जीतेगा उसके साथ हो जाएंगे शामियों के बारे में अमीर अब ने इनको खुतबा दो, दो सौ अड़तीस में फरमा जुफात उन तगाम उन वह अबीद उन अकजाम जो में ओ मिनकुल्ले औओ बिन वह तो कि ये कुछ फुरुमाया पस्त लोग हैं जराय पेशा लोग जो और ऐसे ही थे शामियों ने जराय पेशा लोग जमा करके लाए अमीर के खिलाफ किसी को क्या वादा दिया किसी को क्या किसी को औरत का वादा दिया किसी को सरबत का वादा दिया किसी को गनीमत का वादा दिया इस तरह से इकट्ठे करके लाए इमाम हसन अस्लाम की फौज पूरी अगवा कर ली इन्होंने इन्हीं वादों से सालारे आए इमाम हसन इस्लाम उबैदुल्लब ने अब्बास को कहा कि तीन वादे दिए कहा कि बेहतरीन औरत खूबसूरत तरीन औरत दमिश की शाम की ये आपके लिए तैयार रखी हुई है खेम उसमें जिन खयानत में बैठी हुई मुंतजर है आपकी और बारह लाख दिनार दे, उस वक्त इन्होंने कहा कि आधे अभी ले लो आधे वहां जाकर लेना और आधे उन्होंने वसूल कर लिया और कहा कि जो पोस्ट आपकी यहां है इमाम हसन के लश्कर में सालारे आला यही पोस्ट आपकी शाम की फौज में होगी फाते फौज में अभी मखलूब फौज के और मुंतशिर फौज के पासा ला रहे आला हो फिर तुम फाते फौज के सिपासा ला रहे आला होने तीनों शर्तें कबूल कर ली नेहायतन तीनों नहीं मिली जो पैसे दिए थे उन्होंने वो भी वापस ले लिए है वहां जाकर उनसे जिस तरह उस जो इमाम की जो नाबेकार जोजा थी उसको वादा दिया था उसने कि अगर तू इमाम हसन को शहीद कर दे तेरा यजीद से निकाह करेंगे तो खातुन अव्वल होगी ममलिकत की चूंकि बाद खातून अव्वल ममलिकत होगी और उसने यही काम किया बाद में जब इसने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया मुझे यजीद के साथ निकाह करो तो उसने कहा कि जो इमाम हसन जैसे पाकिजा शोहर को मार सकी है वो यजीज जैसे नाबेकार को तो जल्दी मारेगी वो कब मैं ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता शोहर कुश औरत कभी भी अपने बेटे के लिए नहीं ले सकता नहीं किया उसको उसने कबूला और अपने हाल पे छोड़ दिया उसने यहां पर आकर अमीर फरमाते अलावा इन यानी जब तहकीम का वक्त आया हकमियत का कि एक शख्स शामी फौज से और एक शख्स खूफा अमीर उम्मीद की तरफ से अमीराम को पेश किया जनाब माले के अश्तर को अमीरमोम ने दोबारा इबन अब्बास अब्दुल्ला इबन का नाम पेश किया कि ये फिर दूसरे नंबर पर यह है कहा यह भी नहीं ये आपके रिश्तेदार हैं आपकी फेवर करेंगे इन पर भी हमें एतमाद नहीं है खुद से पहले से तैयार करके रखा हुआ था कहा हम रूए जमीन पर बेहतरीन आदमी को अपनी तरफ से नुमाइंदा बनाएंगे सबसे बेहतरीन आदमी अबू मूसा अशरी को अमीर ने कबूल करने से इनकार किया इन्होंने तलवारें निकाली ठोसा अमीरुल उलमोमिन पर कहा कि इसको अपना नुमाइंदा बनाए आप हुतान अमीरमोमिन ने अपनी नाराजगी का इजहार किया अला इन नलकों में ये उसी मौके पर खुतबा ने जब कबूल नहीं कर रहे थे मूसा शरीफ को फरमाया कि उन्होंने करीब तरीन आदमी अपने लिए चुना है इन नलकों में इख्तारे मेमा तोहेबोनि उन्होंने जो चुना है अमरबन आस को मकार तरीन चालाक तरीन आदमी को सियासत मदार तरीन आदमी यानी आज के जमाने में अगर हम कहें तो हेनरी कसेंजर या इस तरह की शख्सियत जो लेन देन में और मुआदलात में दर्जा अव्वल बेहतरीन डिप्लोमेट उन्होंने चुना मेमत व इन नकोम इख्तारेफोसोम उन्होंने बेहतरीन आदमी चुना है तुमने बेहतरीन आदमी चुना है उनका डिप्लोमेट डिप्लोमेसी में बेहतरीन है जोड़ तोड में बेहतरीन है तुम्हारा बहतरीन आदमी ना तरीन चुना है तुमने वह इन नब्दुल्लास बिल्स फरमायाब्दुल्ला कैस अबू मसा नाम उनका अब्दुल्लाबिन कैस है कुत उनकी अबू मसा अशरी हजरत ने फरमाया कूफा वालों को कि तुमने कल तक तो अहद किया हुआ था इसी अबू मसा अशरी के साथ यकूल इन नहा यानी जब कल को मैं जंग जमल में बुलाया तो अबू मूसा ने तुम्हारे लिए खुतबा पढ़ा कि यह फितना है फकत अवतार अबू मूसा ने कहा कि तुम अपने ए, कमान और चिल्ले चिल्ला उसको कहते हैं जो तीर जिसमें लटकाते हैं चिल्ला ए कमान जिसमें तीर रखते हैं कि ये सब उतार दो कमाने तीर अपने फेंक दो शमशीरे अपनी न्याम में डाल दो कल तक तो तुम्हारा ये अहद था ये जो आप डिप्लोमेट तुमने अपना बनाया है मुजात के लिए ताकि के लिए ये तो कह रहा था ये फितना है हमें ना हक समझता था ये आपको मना करता था कि इसमें शामिल ना हो इन काना सा मुस्तरा इन अगर ध्रुस कह रहा था कल तो फिर आज गलत काम हो रहा है आज क्यों आया है ये और आज क्यों इसको इंतखाब किया तुमने वह इनका न और अगर कल झूठ बोल रहा था यह फितना नहीं था हकोबातिल की जंग थी तो फिर फक लाजिमात हो तोहमा इसने बोहतान बांधा है, है। इसके साथ मुजात के लिए किसको भेजो अब आम रिबन अब्बास के सीने में मुश्त मोहकम अब अब्बास के जरिए से लगाओ तुम वाह लाल और इस मोहलत से अयाम की मोहल्त से फायदा उठाओ कवासियल इस्लाम और इस्लामी इलाकों को दूर तक तुम संभालो अला इला तर बोजा व इला तुरमा क्या देखते नहीं कि तुम्हारी सरजमीने तुमसे छीनी जा रही और घर तुम्हारे लूटे जा रहे हैं दूसरा एक मकतूब है अमीरुल उलमोन अल इस्लाम का अबू मसा अशरी के नाम इसी मसले के बारे में कि जंग जमल के, मदद तो इन्होंने के मेंबर पर कर लोगों को कहा कि ये फितना है, कोई अली का साथ ना दे और इस जंग में जो शरीक हुआ वो शहीद नहीं होगा जहां जाएगा फलान इस पर अमीर मम इस्लाम ने एक हत लेखा अबू मोसाये अशरी को और शदीद तरीन सरजनश की अबू मोसायशरी की इस हरकत पर कि तू खुद साकेत है अपने तमाम अतराफियों को भी सुकूत की दावत देता है कि इसमें शामिल ना हो दाखिल ना हो ये है कि अभी वक्त नहीं है ताकि वो मकतूब पड़े उसको कल इनशा बयान करेंगे ये दूसरी शख्सियत है जो अब्दुल्ला अबिन उमर के बादसर तरीन शख्सियत जिसने अमीरुल उलमनिन की हुकूमत के नाकामी में और जवाल में बड़ा किरदार अदा किया इस शख्स ने मुकदस बनकर और बड़ी मानवी शख्सियत तासीर गुजार शख्सियत बनकर कोफा के अंदर और कोफा से बाहर और फिर तारीख में इसी तरह से मुकर है मकतूब कल इंशाल्लाह बयान करेंगे और फिर एक दो और नुकते जो अमीरुल उलमिन के जमाने में इनके बारे में है और फिर देखेंगे कि बाद में अमीर उमोमिन की हुकूमत के बाद यह नजत सकूत कैसे चली आगे बढ़ी और फिर करबला तक किसने क्या गुल करबला में हमें करबला में फकत उमर और वो गोल घोड़े वाला लश्कर नजर आता है दुश्मन का या ताबूत का।, का नजर नहीं आता निकाब पोश जिन्होंने निकाब पहने हुए और उमर एसाद से बदतर हजरत जैनब सलाम्ला ने इनकी निकाब उतारी यही अहल सुकूत एहले जमूत को कूफा में जाकर भरे बाजार में बीबी ने परवाह नहीं कि किसी की किसी चीज की यानी इतना गज़ब बीबी को उम्र साद पर नहीं था जितना इस एह सुकूत ग्रोह पर था और वो खुतब गर्रा हजरत सैदा ने पजार कोफा में बयान किया कि लोगों को अमीर उलमिन याद आ गई ये जारी था ये सिलसिला सुकूत का बाकी